दोस्तों ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड होने वाले हैं और उसकी वजह से जो है अभी जो पहले रिस्पेक्टिव स्टेट को बची हुई सीट्स जो है वापस आती थी वो अब नहीं आएगी। ये तो एक इम्पैक्ट हमारे कट ऑफ में होने जा रहा है, लेकिन उसी के साथ में अभी जो एक दूसरी केस हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है वो है EWS एंड OBC। तो ये इस बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं फिरदौस एक डिजिटल बना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों देखो, पहले इसके पहले हम जो है हमारे में महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र में जो है कितनी सीट्स वापस आती थी, तो यहाँ पे देखो भीमराज जी जीजाबाई मेडिकल कॉलेज पूना, यहाँ इसकी 10 सीट्स वापस आई थी पिछले साल। कपूर हॉस्पिटल की 20 सीट्स, बाद में यहाँ पे शोलापुर की 15 सीट्स, ये मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो देखो औरंगाबाद की 10 सीट्स, नागपुर की 15 सीट, सेवाग्राम मरदा की 18 सीट्स हमें रिवर्ट आई थी। और उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है गवर्नमेंट औरंगाबाद 10, और ये टोटल मिला के जो है 222 सीट्स हमें रिटर्न आई थी, रिवर्ट हुई थी ऑल इंडिया कोटा से। अब ये जो MBBS का था, अब इसके बाद में फिर जो है BDS की अगर बात करेंगे तो ये 40 सीट्स हमें रिटर्न आई थी। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे जो अच्छे अच्छे जो कॉलेज है, टॉप के कॉलेज है, उसकी भी सीट्स रिटर्न आई थी। तो इसका जो मेन मकसद है जो ये क्या होता था कि जो 2 राउंड के अंदर बच्चों को अगर कोई सीट्स अलॉट हो जाती थी, भले वो अच्छे कॉलेज की भी अगर होती थी, तो उनका जो ट्रेन था वो अपने होम टाउन में यानी अपने जो कंसर्न स्टेट के अंदर अगर उनको एडमिशन मिल जाती थी तो फिर वो ऑल इंडिया कोटा की जो सीट्स वो ज्वाइन नहीं करते थे, और उसके वजह से ये जो शिलक सीट रहती थी ये रिवर्ट वो स्टेट को की जाती थी। अब ये साल से जो है ये सीट्स जो रिवर्ट होने वाली नहीं है, तो इसका तो इम्पैक्ट हमारे इसमें पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अभी उसके बाद में अभी दूसरा एक जो हमारी काउंसिलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, बहुत से विद्यार्थियों का कमेंट्स था काउंसिलिंग कब शुरू होंगे, तो उसका जो है ये 5 तारीख को फैसला आना है EBC और EWS और OBC का। तो ये देखो यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला 5 जनवरी को आने वाला है, उसी के बाद में फिर जो है ये काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट कहता है देखो, लैंडमार्क डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मेडिकल एजुकेशन, 27% रिजर्वेशन फॉर OBC एंड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी EWS इन ऑल इंडिया कोटा स्कीम्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल MBBS MD MS डिप्लोमा BDS MDS फ्रॉम करंट ईयर 2021-22 ऑनवर्ड्स। और इसका जो बेनिफिट है 5,500 विद्यार्थियों को मिलने वाला है, और गवर्नमेंट इज कमिटेड प्रोवाइडिंग ड्यू रिजर्वेशन बोथ द बैकवर्ड कैटेगरी एंड EWS कैटेगरी। अब यह देखो यहाँ पे जो OBC का जनरल और EWS का जो रिजर्वेशन है वो OBC जो NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 27% आरक्षण रहेगा, EWS के लिए 10%, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और जनरल के लिए 40.50%। अभी जनरल के लिए जो 40.50% है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये नहीं हो अनरिजर्व कैटेगरी यानी इन शॉर्ट ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है। इसमें से OBC का अगर कोई स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाता है तो वो भी ये जो सीट्स है वो ले सकता है, उसी के साथ में SC ST EWS का भी विद्यार्थी ये इसमें से सीट्स ले सकता है। अभी अगर समझो अपन अगर बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा में 6,208 सीट्स थी 272 कॉलेज में से, ये टेंटेटिव मैंने फिगर निकाला हूँ, इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत बदल भी हो। तो जनरल कैंडिडेट जनरल को 4,650 मतलब सीट्स रहती थी, SC के लिए 900, ST के लिए 4,500। अब ये साल से जनरल के लिए 2,450 रहेगी, OBC के लिए 1,620 और EWS के लिए 600 सीट रहेगी। तो इस तरह से जो है ये मतलब इन्हें इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी OBC रिजर्वेशन एंड EWS रिजर्वेशन ये पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस गवर्नमेंट के मुताबिक इसमें 1,500 OBC के स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा और 550 EWS स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिलेगा MBBS के एडमिशन में। अभी EWS और OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ सवाल भी खड़े किए गए हैं,
तो उसके पूर्व जो है नरेंद्र हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इन्होंने ट्वीट करके कहा अवर गवर्नमेंट हैज टेकन लैंडमार्क डिसीजन फॉर प्रोवाइडिंग 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी एंड 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन ऑल इंडिया कोटा स्कीम्स फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्सेज फ्रॉम द करंट एकेडमिक ईयर। अभी न्यूज के अंदर ये जो है AWS कोटा के इनकम लिमिट के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसके अंदर जो मानदंड है ये परिवार की सालाना आय 8 लाख से कम होना चाहिए, उसी के साथ में आपके पास में कृषि भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। अगर ये आपके पास में 8 लाख से आपकी इनकम कम भी है उसके साथ में अगर आपकी अगर कृषि भूमि 5 एकड़ से ज्यादा है तो भी आप इसके मतलब हकदार नहीं है। 1000 वर्ग स्क्वायर फुट से कम अवासीय फ्लैट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिसूचित महानगर पालिका में 100 वर्ग गज से कम का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। तो ये मापदंड लगाए गए थे और ये जो मापदंड है ये कौन से बुनियाद के ऊपर लगाए गए इसका कोई डाटा सर्वे गवर्नमेंट ने, तो ये जो है उच्चतम न्यायालय का पक्ष है। AWS आरक्षण की संवैधानिकता का मुद्दा है और उसका अनुच्छेद 145 के नजरिए से भी इसके अंदर देखा जा रहा है। अभी AWS की जो पहचान की गई है उसको कौन से बुनियाद पे की गई है ये एक मतलब मैंने वहां पे सवाल खड़ा किया गया है। अधिकतम आय का निर्धारण के मापदंड क्या है, इसके लिए कोई डाटा या कोई विस्तृत अध्ययन किया गया है या कोई इसका स्पेशल कोई सर्वे किया गया है, तो ये सारी चीजें जो है न्यायालय के अंदर अभी पेंडिंग है। और अभी हमारे जो कमिश्नर है अजय भूषण पांडे इनके पास में ये जो है इसका मतलब मैंने डाटा प्रोड्यूस करने का अभी काम शुरू है। ये अजय भूषण पांडे शायद 5 तारीख को कोर्ट के अंदर इसके बारे में एफिडेविट दाखिल करेंगे, उसके बाद में ये इसका फैसला आना है और ये फैसला होने के बाद ही फिर जो है काउंसिलिंग की जो है MCC काउंसिलिंग शुरू होगी और MCC होने के बाद में फिर बाद में हमारी जो महाराष्ट्र की काउंसिलिंग है शायद उसके बाद में शुरू होगी, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र की काउंसिलिंग जो है वो MCC काउंसिलिंग के बाद ही मतलब इन्हें शुरू करती है। हो सकता है अगर MCC ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे लेकिन MCC वैसे कोई दिशा निर्देश नहीं देगा, तो हमारी जो काउंसिलिंग है वो 5 जनवरी के बाद ही होना तय है। अभी उसके बाद में ये जो तो यहाँ पे जो आरक्षण की जो सीमा है उसके अंदर केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देना उचित है या नहीं, 50% की जो सीमा है वो उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद में जो बहुत सारे जो कॉलेजेस है वो व्यापारी तत्वों पे हैं और उनकी व्यापार की स्वतंत्रता भी इसमें मतलब इन्हें डिस्टर्ब हो रही है ऐसा मतलब इन्हें उनका कहना है। अब इसमें जो चुनौतियां है बहुत सारी चुनौतियां है और इसके अंदर जो पक्षकार है उन्होंने अपने पक्ष रखे हैं कि अगर किसी को आरक्षण दिया जाता है और वो आरक्षण अगर देने के बाद में उसकी आर्थिक उसको समझो नौकरी मिल गई, एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, नौकरी मिल गई, नौकरी मिलने के बाद में उसकी आर्थिक परिस्थिति पे सुधार आ गया, अब आने के बाद में फिर वापस से उसने कोई दूसरी नौकरी दी और एग्जाम दी और दूसरी फिर और वापस से कोई नौकरी प्राप्त की, तो फिर ऐसे मतलब दो बार उसको मतलब है ये जो फायदा है आरक्षण का वो मतलब मिलना कितने हद तक मतलब इन्हें जायज है ये एक मुद्दा मतलब इन्हें यहाँ पे रखा गया है। तो 5 तारीख को जो है कोर्ट का डिसीजन आएगा, उसी के बाद में जो है ये काउंसिलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों अभी देखो ये ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड का भी जो है इम्पैक्ट हमें जरूर पड़ने वाला है और ये जो 4 राउंड के अंदर जो हम पहले पूर्वी हमें बस्ती थी जो भी सीट्स वो रिवर्ट होने के बाद में हमें वो हमारे स्टेट को आती थी लेकिन अब वो नहीं होगा तो उसके वजह से भी बहुत सारा इम्पैक्ट होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये 2 क्राइटेरिया इस साल को जो है उस कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा, ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड और उसके साथ में AWS और OBC का जो प्रकरण न्याय प्रविष्ट है वो एक मतलब इन्हें अभी उसका फैसला आने के बाद ही मतलब इन्हें क्या होता है उसके तरफ हम देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए हम यही रुकेंगे, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।